तेरा जिक्र ही रहेगा मेरे हर अफसाने में, चाहे हो ये बार है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि मैं ऐसे गाने बनाऊं, ऐसे गाने गाऊं जो लोग अगर कुछ भी महसूस कर रहे हो, आई हेल्प देम सेलिब्रेट व्हाट दे आर फीलिंग। तुमसे प्यार है, तुमसे प्यार है। तो मुझे लगता है ये जो हाथ से खाने तक का चॉपस्टिक तक का सफर है, हाथ से चॉपस्टिक तक, यही मेरी जीत है, यही मेरे गाने। इसीलिए मेरे गाने मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनमें ख्वाब देखने की सलाहियत होती है। हेलो विशाल, हाउ आर यू? वेरी गुड भाई, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ, आपका ही इंतजार था बस हमें यहाँ पर। मैं भी इंतजार कर रहा था कि वाईफाई सही हो जाए मेरा। बहुत बहुत स्वागत है हमें स्कूल में आप पर, आपका बहुत शुक्रिया मेरे भाई। आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही है, और डू आई नीड टू वेयर द एयरपॉड्स इफ यू आर नॉट एबल टू हियर मी? मैं एयरपॉड्स पहनूं? नहीं नहीं बिल्कुल परफेक्ट आपकी आवाज आ रही है, आवाज के ही फैन है आपके। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया जी। तो शुरुआत करते हैं अपने इस सेशन का जी आपके साथ जी। सबसे पहले तो ऑफिशियली आपका बहुत बहुत स्वागत है MH1 में, आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं। बहुत वक्त से हमारी कोशिश थी आपसे रूबरू होने की, आज फाइनली वो मौका आया है कि आज आप हमारे साथ इस लाइव सेशन पर हैं। इंस्टाग्राम रील्स पर मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद हर दूसरी रील जब मैं जाता हूं तो कहीं ना कहीं मैं विशाल मिश्रा की रील्स पर चला जाता हूं, और वो दर्द भरी आवाज, हाल फिलहाल में जिसका मैं फैन हुआ वो थी आपकी कितना बेचैन होकर, जो आपने एक रील गाया, खूबसूरत गाना जी, उसका मैं बहुत बड़ा फैन हुआ। और बहुत बहुत बधाई आपको, अभी आपका गाना आया तुमसे प्यार है जी, बहुत ही खूबसूरत गाना, एज यूजुअल जैसी आपकी आवाज है खूबसूरत, यूट्यूब पर ट्रेंडिंग है, आप सिंगर भी हैं इस गाने के, कंपोजर हैं, लिरिसिस्ट हैं, तो सबसे पहले इस गाने के बारे में बताएं कि ये गाना कैसे बना, क्या है इसकी पीछे का हिस्ट्री? मैं इसका सिंगर कंपोजर तो हूँ, लिरिसिस्ट मैंने साथ में लिखा है, एक हमारे बहुत ही जहीन लिरिसिस्ट है, उनका नाम है कौशल जी किशोर जी, जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं हमारे लिए, और वो हमारे साथ हमारे टीममेट भी हैं, हमारे बहुत अहम मेंबर है हमारी टीम में, उनके साथ मिलके हमने तू भी सताया जाएगा भी लिखा था, और ये भी लिखा, दो तीन गाने पहले भी लिख चुके हम लोग, एक गाना हमारा आया था आज भी, देरी हो गई, बहुत सारे गाने लिखे हैं। इस गाने को बनाने का प्रोसेस भाई बहुत सिंपल है एक्चुअली, मुझे लगता है कि बहुत सारे प्यार के गाने हैं, जिलियन एंड ट्रिलियन नंबर ऑफ सॉन्ग्स व्हिच आर अबाउट लव, पर ऐसा एक गाना बनाना था मुझे जहाँ पे अगर मुझे किसी से ये कहना हो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो सबसे सिंपल फॉर्म कहने का क्या है कि तुमसे प्यार है, इससे ज्यादा साफ, इससे ज्यादा बारीक और इससे ज्यादा ऑनेस्ट बात नहीं हो सकती, तो मुझे लगा इस पर गाना बनाना चाहिए, और एक जैम सॉन्ग बनाना था मुझे जो कि दो लोग एक दूसरे के लिए गा सके, एंड आई एम सो ग्लैड कि गाना इस तरह से हुआ। और मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी इस गाने में, जैसे हिप हॉप और पॉप का एक ब्लेंड ट्राई किया मैंने, जहां से बीट आती है गाने में, इट्स अ वेरी डिफरेंट साउंडिंग साउंड, मैंने सोचा कि ये जो पूरा साउंड कॉस्मॉस है जो इस वक्त चल रहा है, जो जो जिस तरह के गाने रिलीज हो रहे हैं, क्यों ना इनसे हट के एक 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 ऐसी चीज ट्राई करी जाए जहाँ पे मैं बहुत ज्यादा सुनाई दूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि लोग इतना प्यार दे रहे हैं, इससे और बल मिलता है एक आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट ओनली सीक्स वैलिडेशन ऑल द टाइम, कोई भी आर्टिस्ट सिर्फ यही चाहता है कि उसकी तारीफ हो, और जब आप गाना रिलीज करते हैं और इतना वाहिद गाना जो कि सारे गानों से इतना अलग हो, उसको भी लोग अगर प्यार करते हैं, आई थिंक इट्स जस्ट अ वेरी इंस्पिरेशनल थिंग फॉर मी, एंड आई होप दैट आई कीप मेकिंग म्यूजिक लाइक जी। आपने इसे हट कर गाने की बात की, इसी पर मैं आने वाला था कि जो आपके गाने होते हैं अमूमन, अगर मैं बात करूं तू भी सताया जाएगा, या मैं बात करूं वो चांद कहां से लाओगी, इसके बाद जब इस गाने का पोस्टर आया, मैंने इस गाने को सुना, सुनते ही लगा कि यार ये जो विशाल मिश्रा शायद अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकले हैं इसमें। एक्चुअली मैं अपने कम्फर्ट जोन में गया हूँ। बाहर निकल, एक म्यूजिशियन के लिए ऐसा होता नहीं है, ये पॉइंट ऑफ व्यूज होता है एक्चुअली, मैं अगर किसी को सुन रहा हूँ तो मुझे लगेगा कि ये इस तरीके के गाने बहुत अच्छे गाता है, या ये ऐसी पेंटिंग बहुत अच्छी बनाता है जी। कभी पेंटर से आदमी नहीं पूछता कि उसे एक्चुअली करना क्या है। वो क्या सोच रहा है, एक आर्टिस्ट नदी जैसा होता है, हवा जैसा होता है, बादल जैसा होता है, उसका कोई रुख नहीं होता, वो बस होता है, और जिस वक्त मुझे पर्सनली जो महसूस होता है वो मैं कहना पसंद करता हूँ, जैसे कैसे हुआ जब मैंने कहा, या फिर जान बन गए जब मैंने कहा, या मांझा कहा तो लोग बोल रहे थे क्या रोमांटिक गाने हैं, फिर सडनली आज भी आया, या तू भी सताया जाएगा आया,
तो लोग बोलने लगे हार्ट ब्रेक हार्ट ब्रेक हार्ट ब्रेक, अभी फिर से तुमसे प्यारे आया, तो लोग बोल रहे अरे वाह ये तो अलग सा रोमांटिक सा गाना है। सो इट्स अ वेरी डिफरेंट साउंडिंग सॉन्ग। मुद्दा यही है कि लोग, हम सब कॉमन लोग हैं भाई, वी आर कॉमन पीपल हु लिसन टू म्यूजिक टू हील आवरसेल्व्स, हु लिसन टू म्यूजिक बिकॉज वी आर वल्नरेबल, वी आर लोनली। हम अपने इमोशंस को सेलिब्रेट करने के लिए गाने सुनते हैं। तो मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मैं ऐसे गाने बनाऊं, ऐसे गाने गाऊं जो लोग अगर कुछ भी महसूस कर रहे हो, आई हेल्प देम सेलिब्रेट व्हाट दे आर फीलिंग। सो इफ दे आर फीलिंग लव, आई हेल्प देम सेलिब्रेट लव, वाया तुमसे प्यार है। इफ दे आर फीलिंग रिवेंज एंड हर्ट, आई हेल्प देम सेलिब्रेट दैट विद तू भी सताया जाएगा। इफ दे आर फीलिंग लाइक सिंगिंग इट, सिंगिंग फॉर द फर्स्ट लव, आई हैव अ कैसे हुआ। सो द आइडिया इज टू मेक सॉन्ग्स दैट हेल्प पीपल सेलिब्रेट देयर इमोशंस। And I hope that God keeps blessing me, ऊपर वाला ऐसे ही आशीर्वाद देता रहे और मैं ऐसे ही गाना बनाता हूं। बिल्कुल। और बाहर से जो पिक्चर दिखती है वो पिक्चर भी कुछ ऐसी आती है कि विशाल मिश्रा सिंगर तो है ही है, साथ में जो पिक्चर बाहर से आती है वो कुछ ऐसी कहती है कि आपका जो फोकस होता है वो स्टोरी टेलिंग पर भी बहुत ज्यादा होता है। आप सिंगर तो है ही, साथ में एक स्टोरी टेलर भी हैं, आप पूरी कहानी को कहना पसंद करते हैं। उस कहानी के एक कहानी है जिसको आप शायद धुन में उतार देते हैं, उसके बाद पूरी कहानी को कहते हैं। मगर एक उसमें बड़ा सवाल ये आ जाता है कि आपकी जो कहानी होती है उसमें ज्यादातर जो कहते हैं जो हीरो होते हैं वो होते हैं टूटे दिल के आशिक। और हर हम हिंदुस्तान में रहते जी, और हर कहानी के पीछे कुछ इतिहास भी होता है। देखिए इसमें बहुत सारी इमेजिनेटिव रियलिटी और कुछ प्रैक्टिकल रियलिटी होती है। कभी कभी कहानियां आप किसी और की कहते हो। मुझे लगता है एक आर्टिस्ट का काम होता है ना सिर्फ अपनी चीजें महसूस करना, दूसरों की भी चीजें उतनी ही जहीन तरीके से महसूस करना। अगर आप दूसरों के दुख, दूसरों के सुख, दूसरों की खुशियां, दूसरों का गुस्सा अगर आप ये महसूस नहीं कर सकते तो फिर दूसरों के लिए गाने नहीं बना सकते आपको गाने तभी आपके गाने लोगों को लगेंगे, आपके गाने लोगों को पसंद आएंगे जब आप लोगों की बात करेंगे। तो कभी कभी कोई कहानी, अब जैसे तुमसे प्यार है, मुझे हमेशा लगता था कि एक आदमी जिसकी जिसकी जिंदगी में कोई शख्स आया और उसकी जिंदगी का सेंटर ऑफ यूनिवर्स बन गया तो वो क्या बोलेगा। और वो कहीं भी ये नहीं बोल रहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो पूरे गाने में। बिल्कुल। और ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता हूँ जो प्यार कर लेते हैं फिर बाद में सोचते हैं क्या किया जाए। तो वो कहीं नहीं बोल रहा, वो अंतरे में बोल रहा है कि तेरा जिक्र ही रहेगा मेरे हर अफसाने पे, चाहे हो गुमा, चाहे मेरा गुमाई क्यों ना हो, मेरा भरम क्यों ना हो, चाहे हो गुमा, ये एतबार है तुमसे प्यार है। तो तुम मुझसे प्यार करती हो ये जरूरी नहीं है। ये मेरी बात है, मैं कहना चाहता हूँ। तो मुझे लगा यार ये तो बहुत आम सी बातें करनी चाहिए, तो लोगों के लिए गाने बनाने। और कहानी चाहे दिल टूटे हुए आशिकों की हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन होता है हार्ट ब्रेक। हिंदुस्तान में मुझे लगता है हर दूसरा लड़का हार्ट ब्रोकन ही होता है कहीं ना कहीं, या लड़की हार्ट ब्रोकन होती है, तो उनके लिए भी कहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, आपने जो नफ्स है मुझे लगता है वो पकड़ ली है। हिंदुस्तान में जो जनरेशन है सबके दिल कभी ना कभी टूटते हैं एक बार। आपने लिरिकली बड़े अच्छे से गाने को भी कहा, मगर हम चाहेंगे कि दो लाइन अगर आप इसकी सुनाए हमें। जरूर जरूर। तुझमें कहां कब खोने लगा सारी आरज़ू, देखो मेरी तुम पे यार की तेरी आशिकी की तुम सवार है, तुमसे प्यार 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 है।
क्या बात है पाजी, क्या बात है। आपकी आवाज की सबसे खूबसूरत बात मुझे लगती है कि वो गाना, जब एक गाना रिलीज होता है उस गाने को हम सुनते हैं, उसके बाद उस गाने को अगर लाइव सुने हूबहू वही आवाज, कोई फिल्टर नहीं इस ऑटो ट्यूनर के जमाने में जहां कंट्रोवर्सियां हो रही हैं कि आवाज बदल के गाई जा रही है, सिंगर गा नहीं रहा है, सिर्फ लिप सिंग कर रहे हैं, उस जमाने में अगर आवाज आपकी हूबहू ऐसी है तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आवाज है आपकी। बहुत शुक्रिया। एक्चुअली इसमें हमारी ये मेरी क्वालिटी नहीं है कि जहाँ से हम आए हैं वहाँ की गलती है, हमें बताया ही नहीं गया कि ऑटो ट्यूनर जैसी कोई चीज होती है जो हम छोड़ते हैं। अगर बताया गया होता तो इतनी मेहनत नहीं करते सुरों पे। बिल्कुल, मैं उसी पे आने वाला था। आपने कहा जहाँ से आप आए हैं, आप उन्नाव से ताल्लुकात रखते हैं, उस जगह से जिस जगह से मैं भी उस जगह पर बहुत बार गया हुआ हूँ, जो कि मेरे रिलेटिव रहते हैं शुक्लागंज में। अरे वहाँ पर, अरे शुक्लागंज में रहते हैं, क्या जी, बात जी, 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 तो बहुत आना जाना हुआ है, तो उस एरिया को मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वहां से एक लड़का निकलता है मन में ख्वाब संजोए हुए कि उसको तो वकालत करनी है, वो तो वकील बनेगा जी, एडवोकेट बनने का ख्वाब लेकर, और आज 2021 में वो हाथ में गिटार लेकर बैक टू बैक गाने दे रहा है, बॉलीवुड के टॉप सिंगर्स में एक आ जाता है। ये कैसे आप इसको कैसे देखते हैं, ये किस्मत आपको ले आई या आपका पूरा चेंज कैसे हो गया? मुझे पता नहीं कैसे हो गया है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों के सपने, बहुत सारे लोगों के ख्वाब जब इकट्ठा हो जाते हैं तो वो ख्वाब एक एनर्जी बन जाते हैं, फिर वो एनर्जी एक ऐसे शख्स को ढूंढती है जिसमें उन ख्वाबों को पूरा करने की सलाहियत होती है और सोच होती है जो अपने लिए कुछ करना चाहता है, और वो एनर्जी जब किसी शख्स में एक साथ इन्वेस्ट होती है, ये बहुत सारे उन लोगों के ख्वाब है मुझे लगता है जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, और वो सारे ख्वाब, वो सारी एनर्जीज मेरे अंदर आई, और शायद उनके लिए मैं ये कर रहा हूँ। मैं जब पैदा हुआ था तब मुझे मालूम नहीं है कि कभी किसी ने कहा हो कि सिंगर बन जाओ या म्यूजिक डायरेक्टर बन जाओ, क्योंकि अगर आप जाते हैं शुक्लागंज तो वहाँ पे ऐसा माहौल नहीं था। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत ये है, मैं कोई भी अवार्ड जीत जाऊँ, मुझे फिल्म फेयर मिला, मुझे बाकी सारे अवार्ड मिले, आज भी कोई अवार्ड मिला है मुझे, किसी ने बताया मुझे कि मेरा कोई गाना है वेब का तेरी हो गई, उसके लिए मुझे कोई अवार्ड मिला। मुझे सबसे ज्यादा खुशी जिस चीज की है वो ये है कि मैं जहाँ से आता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये जो जगह थी जहाँ पे लोग गाते थे लेकिन उनकी इज्जत नहीं होती थी, आज वहाँ लड़के लड़कियों की आंखों में ख्वाब है कि ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, और ये सबसे बड़ी चीज है। और मुझे लगता है कि यही मुद्दा है कि एक आर्ट फॉर्म है जो कहीं कहीं भी हो सकती है, कहीं भी पनप सकती है, किसी छोटे से घर में भी हो सकती है, किसी बहुत बड़े घर में भी हो सकती है, और जहाँ से हम आए हैं बहुत लकी समझता हूँ मैं खुद को कि वहां से निकलने का मौका मिला, क्योंकि किसी बड़े शहर में होता वहां तो कोई ना कोई बनता ही रहता है, पर मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं उन्नाव से हूँ, और उस बेल्ट में थोड़ी बहुत मेरे नाम से जो इंस्पायर होते हैं वहाँ बच्चे और नए लोग जो करना चाहते हैं, मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। एंड आई फील वो जो एक जिंदगी का महीन हिस्सा है जो बड़े शहरों में मिस हो जाता है, तो आप किसी उन्नाव जैसे शहर से निकलते हैं जहाँ पे आपको छोटी 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 चीजों की अहमियत पता होती है। मैंने पहली बार पिज्जा 2008 में खाया, लोग मानेंगे नहीं ये बात कि ऐसी बात है, मैं ऐसी जगह आता हूँ जहाँ 15 रुपए में पिज्जा मिलता है। मैंने पिज्जा जब पहली बार खाया तो मेरी बहन ने बताया कि बाएं हाथ में फोर्क पकड़ते हैं, दाहिने हाथ में नाइफ, तो वो बात मेरे जहन में रह गई। फिर आज तक मैं चॉपस्टिक से भी खा लेता हूँ, तो मुझे लगता है ये जो हाथ से खाने तक का चॉपस्टिक तक का सफर है, हाथ से चॉपस्टिक तक, यही मेरी जीत है, यही मेरे गाने, इसीलिए मेरे गाने मैं उन लोगों के लिए बनाता हूँ जिनमें ख्वाब देखने की सलाहियत होती है, और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसे गाने बनाता रहूं। क्या बात है। लेकिन पाजी कहते हैं सक्सेस आने के बाद कुछ बदलाव भी आते हैं, कुछ उसके ड्रॉबैक्स होते हैं, तो कुछ आपने अपने अंदर ऐसे महसूस किए, कुछ बहुत महसूस करता हूं आपको लिखे हूं कभी ऐसा लगा हो कि सबसे बड़ा बदलाव यही है कि मेरे अंदर आजकल कोई बदलाव नहीं आ रहा है, मैं चाहता हूं मेरे अंदर थोड़े बदलाव आए। ये कैसा बदलाव है कि पहले तो बदलाव आते थे, बदलाव ये कुछ, नहीं आ रहा। ये कुछ नया है। ये success, failure, ये सब point of views है जो दूसरों के होते हैं आपके बारे में, इसका गाना चल रहा है यार, इसका गाना नहीं चल रहा है, फ्लॉप हो गया, या ये देखो क्या खेलता है यार, क्या क्रिकेट खेलता है, ये दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यूज है। मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ सबसे ज्यादा जरूरी, जब प्यार मिलता है तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन कभी इस चीज को मैं हावी नहीं होने देता। सक्सेस सिर्फ एक चीज बदलती है, वो ये है इंसान नहीं बदलता, इंसान के इर्द गिर्द जो चीजें होती हैं वो बदलने लगती हैं, जब वो बदलती हैं तो आदमी सक्सेसफुल कहा जाता है। बहुत ही मटेरियल सा वर्ड है सक्सेसफुल, एक्चुअली सीधा सीधा मटेरियलिस्टिक गेन को आप सक्सेसफुल बोलते हैं,
मेरे जहन में मैं कहीं भी अभी शुरू भी नहीं हुआ हूँ। मुझे लगता है कि 24 घंटे कम होते हैं, एक साल कम होता है, इतनी जल्दी निकल रहा है। मैं कब बनाऊंगा गाने जो मैं कहना चाहता हूँ, वो गाना जो एक लड़का मैंने वहां देखा था महसूस करता, उसके बारे में कब बात करूंगा, वो जो लड़की मुझसे मिली थी उसके बारे में कब बात करूंगा, एक जो मैं महसूस कर रहा हूँ रात में जब करोड़ों लाखों लोग अकेले लेटते हैं अपने बेड पे, सोचते हैं, दीवार ताकते हैं, उनके बारे में कब गाना बनाऊंगा। तो मेरे पास तो मुझे लगता है कि अभी शुरू भी नहीं हुआ हूँ, ये एक रिले रेस है जो धीरे 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 भागनी है। बाकी ये सारे पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, मुझे नहीं लगता मेरे अंदर कोई बदलाव है, अगर आएगा तो जरूर बताऊंगा। जी लेकिन जिस एनर्जी के साथ आप गाने बना रहे हैं और जिस स्पीड के साथ आप गाने बना रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि आप जो सोच रहे हैं उसको आपको हकीकत में तब्दील करने में हार्डली 2 से 3 महीने लगेंगे, क्योंकि आपकी जो पेस है मुझे लगता है जो फास्ट बॉलर होता है क्रिकेट में उससे भी तेज इस वक्त आप गाने बना रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है सुपर हिट गाने बना रहे हैं। तो इस पेस को लेकर मैं जानना चाहूंगा कि जो कहते हैं कि कुछ एक प्रेशर भी होता है अगर आप इतनी तेजी से गाने डिलीवर कर रहे हैं, तो उस प्रेशर से आप फिर कैसे डील करते हैं? मैं खाना खा लेता हूँ सही हो जाता है, मुझे ज्यादा स्ट्रेस होता है मैं डोसा खा लेता हूँ, मुझे डोसा बहुत अच्छा लगता है। तो जब बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है तो मसाला डोसा खाता हूँ, जब कम स्ट्रेस होता है तो प्लेन डोसा खा लेता हूँ, मैं सब ठीक हो जाता है, वापस स्टूडियो आके नया गाना बनाने लगता हूँ। ये बहुत अच्छी लाइन हो सकती है हेडलाइन के लिए, जब मुझे स्ट्रेस होता है मैं डोसा खा लेता हूँ। ये सही है, मगर प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो मैंने भी कई सिंगरों से बात की इधर बीच, उनका कहना था कि लॉकडाउन जब से हुआ वो घर से बैठकर काम करने लगे, वहां से प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गए, ऊपर से बहुत प्रेशर आने लगा, वो शायद डील कर पाए या नहीं कर पाए। आप किस तरह से डील कर रहे हैं इस पूरे टाइम को? मैंने तो बहुत गाने निकाले हैं पिछले लॉकडाउन से लेके अब तक, चाहे वो मुस्कुराएगा इंडिया हो, चाहे वो आज भी हो, वो चांद कहां से लाओगी, मांझा, जान बन गए, टाइम टू डांस, तू भी सताया जाएगा, और अब तुमसे प्यार है। मुझे तो लगता है ये लॉकडाउन, पहली चीज तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे घर में स्टूडियो, तो मुझे कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे भी थोड़ा एंटी सोशल आदमी हूँ मैं, मैंने अपनी दुनिया अपने घर में ही बना रखी है, तो बाहर जाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक क्रिएटिव इंसान के लिए बहुत मुश्किल काम है जब आपको ये बता दिया जाए कि आपको बाहर नहीं जाना है। अगर मैं आपसे कह दूं कि आपको मेरी तरफ नहीं देखना है तो आपको बहुत उत्सुकता होगी मेरी तरफ देखने की। इट इज अ वेरी साइकोलॉजिकल थिंग, यू नो, सो मोर देन अ फिजिकल लॉकडाउन, ये एक बहुत मेंटल लॉकडाउन है कि आपके इर्द गिर्द इतनी नेगेटिविटी है, उसमें आपको कोई चीज क्रिएट करनी है, वो बहुत मुश्किल काम है। तो जिसने भी किया है, जैसे आप हैं, अगर आप एक एज अ जर्नलिस्ट या एज अ एंटरटेनमेंट रिपोर्टर, इफ यू आर फाइलिंग समथिंग, इफ यू आर गिविंग पीपल टू समथिंग दैट दे कैन एंजॉय, एक गाना प्रेजेंट कर रहे हैं आप, एक इंटरव्यू दे रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं, किसी की इंटरव्यू फाइल कर रहे हैं, ये बड़ा मुश्किल काम है। इट इज एज गुड एज बीइंग अ फ्रंटलाइन वर्कर, यू नो, जब आप लोगों को वो चीजें देने की कोशिश करें जहाँ पे वो पॉजिटिव फील कर सकें, जहाँ पे वो खुश फील कर सकें। एक 3 मिनट के गाने में एक जिंदगी होती है जो इंसान जी सकता है, एक 10 मिनट के इंटरव्यू में एक इंसान की जिंदगी के बारे में सारी बातें होती हैं जो उसने 20-25-30 साल में जी होती है। यू आर गिविंग पीपल समथिंग, तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, और फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह हम सब हैं, और कोशिश यही है कि इस नेगेटिव माहौल में चीजें गाने बनाते जाएं, ये जो मेंटल ब्लॉक है इसको हटाते जाएं, अच्छी चीजें करते जाएं, ताकि लोग अंततः जब हम ना रहें तो लोग ये कहें कि वो एक वक्त आया था जब 2-3 साल हिंदुस्तान बहुत परेशान था, पर ये 2-3 गाने आए उन्होंने मुझे बहुत राहत दी। तो मुझे लगता है ये मतलब अच्छा है, एंड वी शुड कंसंट्रेट ऑन दैट। जी पाजी, आपने गाने बनाने की बात की, एक गाना मुझे लगता है जिस गाने ने शायद काफी कुछ बदल दिया होगा आपके लिए, वो था कैसे हुआ। जी उस गाने के बारे में जानना चाहूंगा कि आखिर वो गाना, उसके क्या हिस्ट्री थी, वो गाना ऐसा उसमें स्पेशल आपको गाते वक्त लग गया था, कुछ ऐसा फील आया था कि ये वो गाना हो सकता है? कहते हैं कि हर इंसान की जिंदगी में एक मोमेंट आता है, तो क्या आपको पहले ऐसा लगा था कि ये वो गाना हो सकता है जिससे चीजें बदल जाएंगी, उसके बनने के पीछे की थोड़ी सा थोड़ा पीछे लेकर चलिए। नहीं, ऐसा तो नहीं सोचता, हर इंसान जब गाना बनाता है वो तो चाहता है कि ये गाना छप्पर फाड़ दे और सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दे, कोई ये सोच के गाना नहीं बनाता कि ये वाला थोड़ा कम चलाऊंगा, इसके बाद वाला जो गाना है वो हम लोग बहुत बढ़िया बनाएंगे, ये वाला हल्का वाला बना लेते हैं, ऐसा तो कोई नहीं सोचता। कैसे हुआ कि पहले बहुत सारा काम कर रहे थे हम, वीरती वेडिंग हो, चाहे वो जाने दे हो, फ्रॉम करीब करीब सिंगर, फिर बहुत सारा मेरा हिस्सा नोटबुक की एल्बम में गया, उसका बैकग्राउंड और स्कोर मेरा था, एंड आई वाज प्राउड ऑफ दैट। बहुत खूबसूरत एल्बम। कैसे हुआ, 2.5 घंटे में बनाया मैंने, 9 महीने बनाई नोटबुक की एल्बम। कैसे हुआ बनाने में, मुझे घड़ी देख के 2.5 मिनट लगे। मुझे संदीप, मैं पहले पहला प्यार बना चुका था, लंदन में था मैं, 30 दिसंबर को सुबह 5 बजे मैंने वो गाना बनाया पहला प्यार, और मैं बॉम्बे आया, संदीप ने मुझे बताया कि ये एक एडिट पोर्शन है और मुझे यहाँ पे गाना चाहिए,
तो ये आप देख लो, उन्होंने मुझे दिखाया, 2.5 घंटे बाद में एडिट पे गया तो मैं गाना लेके गया और 2.5 घंटे लगे उस गाने में और अभी तक वो चल रहा है। ऐसा चल रहा है कि लोग सोचते हैं कि क्यों इतना चल रहा है। और वही बात है कि आप जब एक घड़ा भरते हैं फिर वो छलकना शुरू करता है, उस छलकने को इम्पोर्टेंस देने की बजाय उस घड़ा भरने के प्रोसेस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। तो उससे पहले की जो मेहनत है मुझे लगता है कैसे हुआ उसका फल है। और आगे भी जो गाने चल रहे हैं ये सिर्फ हमारा काम घड़ा भरते रहना, छलकेगा, किसी की प्यास बुझेगी किसी की प्यास नहीं बुझेगी, तो इतना सोचा नहीं। बट मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ लोगों का कि मेरे गानों को इतना प्यार देती है। और कैसे हुआ ना, डेफिनेटली बहुत कुछ बदला और लोगों तक, आवाम तक ये बात पहुंची, अच्छा ये गाना भी इसका। तो भगवान अपनी तरीके से, ऊपर वाला अपनी तरीके से प्लान करता है चीजें, और आई थिंक ये उनकी प्लान का कोई पार्ट होगा। बट अच्छा भाजी, एक आपके जो गाने में मुझे कॉमन चीज दिखती है वो होते हैं स्ट्रॉन्ग लिरिक्स, चाहे कैसे हुआ कि बात कर लें, या फिर आपके जितने गाने जो आप खुद लिरिक्स जिस गानों के लिख रहे हैं या जो गाने आप गा रहे हैं, तो स्ट्रॉन्ग लिरिक्स को लेकर आपके क्या थॉट्स हैं? क्या आजकल जो गाने बनते हैं जिसमें लिरिक्स को इतना फोकस नहीं किया जाता, म्यूजिक से उसको कहते हैं कि कंपनसेट कर देते हैं, लिरिक्स आपके जो होते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बहुत डीप होते हैं, उस पर आपका फोकस क्या स्पेशल रहता है? ऑफ कोर्स सब अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग से लिरिक्स गाते और चूज करते हैं। जब कोई एक्स आदमी एक लिरिक लेता है, जिस माहौल में वो बड़ा होता है, जिस माहौल के शब्द उसने सुने होते हैं, उस माहौल के शब्द उसे अच्छे लगते हैं। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हम जहाँ पैदा हुए वहाँ पे मुशायरे भी होते थे, वहाँ पे उर्दू शायरी का भी कल्चर था, बचपन से किताबों का बहुत शौक था। और मेरे दिमाग में ये बात बचपन से थी कि इंसान को धुन नहीं याद होती, इंसान को शब्द याद होते हैं। जब शब्द आपको याद हो जाते हैं तो धुन अपने आप याद हो जाती है। वो खराब भी हो सकते हैं, वो अच्छे भी हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एक गाना है, वो चांद कहाँ से लाऊंगी। अब इतनी कॉम्प्लेक्स सी बात है, सिर्फ इतना सिंपल थॉट था मेरे दिमाग में कि मैं, सारे हमारी टीम चंडीगढ़ में थी और टेरेस पे खड़े हुए थे, रात का 2:30-3 बजा था और चांद एकदम सर पे था और मैं चांद देख रहा था और मुझे लगा यार ये चांद ये कैसी कमाल चीज है कि इट इज अ विटनेस टू एवरीथिंग दैट एवरीबॉडी डज। मेरा जितना अच्छा मेरा जितना बुरा सब इस चांद ने देखा है। और जब आप उस चांद को किसी और के साथ देखते हो, किसी स्पेशल शख्स के साथ, और फिर अकेले देखते हो या फिर और किसी के साथ देखते हो, तो चीजें कितनी अलग होती हैं, कितनी डिफरेंट होती हैं। यू कांट सी द मून लाइक यू सी इट विद समबडी, यू नो, उस तरीके से तो नहीं दिख सकता। तो वो लड़का कह रहा है कि तुम चांद तो देखोगी पर मेरे साथ जैसा चांद दिखता था वैसा तुम्हें नहीं दिखेगा। तो वो चांद कहाँ से लाओगी का आइडिया यहाँ से आया। मुझे लगा इतनी अच्छी सी बात है वो गाना निकला। एंड ऐसे हर गाने में आज भी में भी मुझे लगा कि लोग बोलते हैं प्यार मोहब्बत सब कुछ है, उस बारे में अगर मैं कुछ कहना चाहूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यूज क्या होंगे, तो इवन इन दिस सॉन्ग तू भी सताया जाएगा, एक लड़का एक अगर एक लड़की या एक लड़का को ये पता हो कि कोई आपके साथ गलत कर रहा है, दैट फीलिंग ऑफ कर्मा, दैट फीलिंग ऑफ रिवेंज, दैट फीलिंग ऑफ हर्ट, जो कि इतनी नेचुरल फीलिंग है, इसमें तो अंदरे में हमने ऐसे ऐसे लफ्ज लिखे जो हिंदुस्तान में कभी किसी गाने में यूज ही नहीं हुए। कितनों को सीने से लगाया मेरी तरह साथ सुलाया, आंखों में तेरी पानी नहीं है सबको तूने कितना रुलाया। मैं और कौशल जब ये लिख रहे थे तो हम लोग महसूस कर पा रहे थे इन चीजों को, कितने लोगों से ये बात कही जाती है हर दिन तो बहुत सारे लोग महसूस कर सकते, कोई बात नहीं करता। तो बहुत मुद्दा है कि शक है, ये दोनों गाना ही बहुत खूबसूरत है, मगर मुझे बहुत ज्यादा पसंद है आपका गाना वो चांद कहां से लाओगी। तो मैं चाहूंगा दो लाइन आप उसकी एक बार हमें लाइव सुनाएं। अरे बाप रे, बहुत मुश्किल काम है। जब याद तुम्हें मैं आऊंगा, रातों में बहुत घबराओगे, क्या चीज गवा दी है तुमने, ये सोच के सोना पाओगे, जो चांद तुम्हारा मेरा था वो चांद कहाँ से लाओगे, क्या चीज गवा दी है तुमने, ये सोच के सोना पाओगे। क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत। अच्छा विशाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस दिन आप म्यूजिक नहीं बना रहे होते हैं, जैसा कि आपने पहले कहा बहुत ज्यादा बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, क्या कर रहे होते हैं उस दिन आप?
क्या होता है फिर आपका रूटीन जिस वक्त आपका म्यूजिक से ब्रेक होता है? म्यूजिक जब नहीं बना रहा होता हूँ तो म्यूजिक सुन रहा होता हूँ, और म्यूजिक नहीं सुन रहा होता हूँ तो म्यूजिक के बारे में सोच रहा होता हूँ। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं बाय चॉइस एंटी सोशल हूँ, मुझे और कुछ आता ही नहीं। अगर कोई मुझसे कहे कि तुम घर का काम कर लो तो मैं कर ही नहीं पाऊंगा। कोई मुझसे कहे काम करो बाहर से ग्रोसरी खरीद लाओ या कपड़े खरीद लाओ या ये कर लो या वो कर लो, जितने भी नॉर्मल काम होते हैं मुझे आते ही नहीं। मुझे सिर्फ म्यूजिक बनाना आता है, म्यूजिक करना आता है, और यही सोचता रहता हूँ। फिल्में देखने का बहुत शौक है, फिल्म बहुत पसंद है। बहुत अलग तरीके से इन्वेस्ट करके खुद को कैरेक्टर्स में देखता हूँ फिल्में, क्योंकि मुझे वो ट्रैवल कराते हैं इधर से उधर, इमोशन टू इमोशन, मुझे लगता है बड़ा खूबसूरत है। ये दोनों चीजें करता हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा मिलने में मजा आती है लोगों से, जब आपके पास लोग आते हैं और अपनी अपनी कहानियां सुनाते हैं। हर इंसान की शक्ल पे एक कहानी होती है, जैसे आपकी शक्ल पे भी एक कहानी है। उन कहानियों से मैं गाने बनाता हूँ और बहुत अच्छी लगती है सारी चीज। ट्रैवल करना बहुत अच्छा लगता है, पहाड़ पहाड़ बहुत पसंद है, पहाड़ जाता हूँ, बहुत सुकून मिलता है, खुद के करीब महसूस करता हूँ। उर्दू सुनने पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें पढ़ता हूँ, तो इस तरीके से बहुत जिंदा महसूस होता है मुझे ये सब। भाजी पढ़ने में आप किसके पसंद करते हैं, किसे आप पढ़ना पसंद करते हैं, और आपकी प्लेलिस्ट में क्या है? मैं सबको ही पढ़ता हूँ यार। आजकल मैं दिल्ली के एक शायर को पढ़ रहा हूँ, क्या अच्छा शायर है वो, उसका नाम है कमर अब्बास, आई थिंक 23-24 साल के हैं वो, और इतनी खूबसूरत शायरी की। हम हैं असीरे जब्त, इजाजत नहीं हमें, रो पा रहे हैं आप बधाई है, रोइए है। हम तो नहीं रो सकते लेकिन आप रो पा रहे हैं तो आपको बधाई है। ये अभी के शायर हैं, और मैं फैज से लेके फराज, जॉन एलिया, पीरजादा, कासिम, नसीम बरेलवी, बशीर बद्र, आप शायर का नाम लें, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शायरी ने मुझे एक इंसान बनने में मदद करी। मुझे लगता है कि जो लोग महरूम हैं शब्दों से वो जिंदगी से महरूम। अगर आपके पास आपकी बात को कहने के लिए शब्द हैं तो मतलब आप जिंदगी जी रहे। अगर आप कोई चीज कहना चाहते हो और वो कह ले जाए उसी तरीके से जैसी वो है, मुझे लगता है आप जिंदा हैं। तो सबको ही पढ़ता हूँ, और मेरी प्लेलिस्ट में कोई भी गाना आता है वो 2-3-4-5 साल रहता है। मैं अपनी प्लेलिस्ट चेंज नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक गाने को इतना जी लेना चाहिए कि जिसने बनाया है आप उसकी रूह तक पहुंच जाए कि इसने बनाया कैसे। तो जब मैं अब गाना कोई सुनता हूँ जो 4 साल पहले रिलीज हुआ है, तो मुझे लगता है अच्छा इसने ये सोच के ये किया है, तो मैं महसूस कर सकता हूँ उसके गाने को। तो मैं एक गाना कोई उठाता हूँ और उससे 3-4 साल सुनता हूँ। और मेरी प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर आपको मिलेंगे जॉन मेयर, बिकॉज आई एम अ ह्यूज 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 फैन। मैं बहुत सारे आर डी बर्मन का डाई हार्ट फैन रहा हूँ। आई बीन लकी टू वर्क विद आशा जी इन फिल्म्स, एंड आई हैव एक्सप्लिसिटली सेड इट अगेन एंड अगेन दैट आई एम अ ह्यूज आर डी बर्मन फैन, एंड आई फॉलो हिज म्यूजिक लाइक अ डिसाइपल। एवरीबॉडी यार सबसे सीखते हो आप मेरी प्लेलिस्ट में आपको एक बहुत ही खूबसूरत म्यूजिशियन है, उनका नाम है ब्रूनो मेजर, उनके गाने मिलेंगे। अंडरग्राउंड म्यूजिशियंस, अच्छा और बुरा दोनों चीजें सीखता हूँ, ताकि बुरा ये बताए क्या नहीं करना है, अच्छा ये बताए क्या करना है। I try to adapt to every new thing that is coming. भाजी आर डी बर्मन साहब का आपने नाम लिया, उनका कोई फेवरेट गाना जो अभी हाल फिलहाल में आपने सुना हो, जिसको आप जो आपकी कहते हैं कि जुबान पे चढ़ा हो, इधर बीच आप गा रहे हो? हाल फिलहाल नहीं, बचपन से ही सुन रहा हूँ। अंशम का सबसे ज्यादा अच्छा जो गाना मुझे लगता है, मतलब मुझे पता नहीं कैसे बनाया उन्होंने। मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। कितना खूबसूरत गाना है, बहुत शानदार गाने, सारे गाने कितने खूबसूरत है जी। अच्छा पुराने गानों की बात चली है तो मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, आपका ओपिनियन, क्योंकि बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है रिक्रिएशंस को लेकर। दो अलग अलग धड़े आपस में बढ़ चुके हैं, एक धड़े का कहना है कि जो हिट गाने हैं उनका रिक्रिएशन हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को, जबकि दूसरे लोग हैं जिनका कहना है कि वो इतने अच्छे गाने हैं कि शायद उनको दोबारा अटेम्प्ट नहीं किया जाना चाहिए। आप क्या मानते हैं इस पर? मेरा कोई मानना नहीं है इस पर एक्चुअली, जिसको बनाने या बनाए, मैं तो नहीं करता हूँ। और मैं इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि किसी ने एक मास्टरपीस, एक हीरा आपको बना के दिया है जी। जब वो पहले से हीरा है तो आप उसकी कीमत और कितनी बढ़ाएंगे, या तो आप उसको काटेंगे। कुछ भी मैं उस हीरे के साथ करूंगा उसमें हीरा जोड़ तो सकता नहीं।
उसको काटूंगा, उसको तराशूंगा, हो सकता है उसको एजी बनाऊ, उसकी फिनिश अच्छी करूँ, लेकिन जब तक मुझे ये नहीं लगेगा कि मैं इसकी कीमत बढ़ा नहीं सकता, तब तक मैं एज एन इंडिविजुअल नहीं कर सकता. मैंने एक रिक्रिएशन किया है जिसको मैं रिक्रिएशन बोलता नहीं हूँ. राफ्ता राफ्ता एक हमारा गाना आया था जिसमें रेखा जी, सोनाक्षी, सलमान भाई, एवरीबॉडी वाज देयर, एंड इट फॉर मी इट वाज अ फेस्टिवल, क्योंकि रेखा जी हमारे पापा की फेवरेट एक्ट्रेस थी, फिर सोनाक्षी सच अ फ्रेंड, एंड सलमान सर, फिर धर्मेंद्र सर, सनी सर, बॉबी सर, वी वर वर्किंग, एंड रेमो सर, ऑल ऑफ अस वर वर्किंग टुगेदर, इट वाज लाइक अ फेस्टिवल. लेकिन मैंने ओरिजिनलिटी किसी गाने की छेड़ी नहीं. मुझे लगा जैसा जो गाना है वैसा ही होना चाहिए. अगर कल्याण जी, आनंद जी भाई का गाना है तो वैसा होना चाहिए, अगर पंचमदा का गाना है तो वैसा होना चाहिए. मैंने अपना कुछ नहीं किया, लेकिन जिस दिन मैं रिक्रिएट करूंगा उसी दिन करूंगा जब मुझे लगेगा कि मैं इस गाने में कुछ जोड़ सकता हूँ या कुछ ऐड ऑन कर सकता हूँ, और मुझे लगता है ऐसा ही होना चाहिए. अरे पाजी, एज अ फैन बहुत इंतजार रहेगा फिर तो उस दिन का, जैसा कि आपने कहा कि जब आप रिक्रिएट करेंगे. जी, हो सकता है अपना ही गाना कोई कर लूं मैं. अरे वाह, उसमें ये दिक्कत नहीं होगी कि किसी और का गाना करने में शायद दिक्कत, अपना ही गाना कर लूंगा. बिल्कुल सर पाजी, मैं आपसे जाना चाहूंगा रीजनल म्यूजिक को लेकर. आज जो रीजनल म्यूजिक है वो अब सिर्फ रीजनल सिर्फ नाम का रह गया है, बल्कि ग्लोबली उसको सुना जा रहा है. अगर आप पंजाबी म्यूजिक देख लें, हरियाणवी म्यूजिक देख लें, तमाम तरीके के म्यूजिक हैं जो अब रीजनल नहीं रहे हैं. ये म्यूजिक जो ग्रो कर रहे हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर ना सिर्फ कमर्शियली बल्कि बहुत अच्छे म्यूजिशियंस भी आ रहे हैं, वो भी ग्रो कर रहे हैं. आप इसको किस तरीके से देखते हैं? आप रीजनल में आगे चलकर कुछ और करने वाले हैं? मैंने किया भी था बीच में पंजाबी गाना, एक्चुअली. जी 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 जी, ज्यादा बढ़िया. मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया. मैंने गाया नहीं, क्योंकि पंजाबी बोल तो बहुत अच्छी लेता हूँ मैं. मुझे लगता है जब तक मेरे पास क्लियर डिक्शन नहीं होगा प्रॉपर, तब तक मैं नहीं गाऊंगा. देखिए, म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है. म्यूजिक भोजपुरी में भी हो सकता है, म्यूजिक हिंदी में भी हो सकता है, इटालियन गाने भी सुनते हैं लोग, बेला चाओ सुनते हैं. हिंदुस्तान में हर आदमी गाता है, मुझे नहीं लगता किसी को भी मतलब पता है बेला चाओ का क्या होता है. तो म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती, म्यूजिक की रूह होती है, और रूह दिखाई नहीं देती, महसूस होती है. तो मुझे लगता है किसी भी भाषा में हो, जब तक म्यूजिक एक्सप्रेस हो रही है, म्यूजिक को लोग सुन रहे हैं और आर्टिस्ट बड़े हो रहे हैं, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग दैट कैन हैपन टू आवर कंट्री. बिल्कुल. अच्छा पाजी, कि आपके सामने भी एक ऐसा चैलेंज सामने आता है, क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने बात की, उनका कहना होता है कि पहले ऑलरेडी इतना ज्यादा म्यूजिक बन चुका है कि अब जब हम कुछ नया खोजने जाते हैं तो उसमें बहुत कुछ हमें खोजना पड़ता है कि ये कुछ नया होना चाहिए, कहीं कुछ इसमें ऐसा ना निकला है कि ये कॉपीड म्यूजिक है आगे चल के कुछ. तो जो नया खोजने की जो कह सकते हैं जो चैलेंज है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कैसे लेते हैं, आपका क्रिएटिव प्रोसेस क्या होता है? वही तो म्यूजिक बनाने का हाई है कि आप देखिए, हर इमोशंस तो गिन चुन के साथ आठ ही होते हैं. आप गुस्सा हो सकते हैं, आप दुखी हो सकते हैं, आप खुश हो सकते हैं, आप उदास हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा इलेटेड हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा संतुष्ट हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा खुश फहम हो सकते हैं, आप बहुत ज्यादा खुश मिजाज हो सकते हैं. इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, यू नो. अंतर सिर्फ उनकी महसूस करने की डिग्री में होता है. हर इंसान एक इमोशन को अपने तरीके से महसूस करता है. हो सकता है जिस दुख को मैं, अगर सेम दुख हो हमें और आपको, तो हम जिस तरीके से महसूस करेंगे और आप जिस तरीके से महसूस करेंगे, इसमें एक अंतर है. यही गानों में अंतर होता है. अगर इमोशन का जो सेंटर है वो हो सकता है एक ही हो, लेकिन क्योंकि महसूस करने की डिग्री अलग है तो वो बात हमेशा नहीं लगे. तो मुझे लगता है ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए. म्यूजिक में हर चीज नहीं है. एक मैं तुमसे प्यार है अभी गाया मैंने आपके लिए, और मैं दो मिनट बाद गाऊंगा तो वो फिर अलग सुनाई देगा, क्योंकि जिस तरीके से मैं उसे महसूस कर रहा हूँ वो बदल गया. तो ये खोज ही तो हाई है. यही तो म्यूजिक बनाने का हाई है कि आप चीजें जो हो चुकी हैं उनके बारे में क्या एक नई ऐसी चीज कह सकते हो, क्योंकि डिग्री ऑफ फीलिंग इट ऑलवेज चेंजेस. तो ये बहुत खूबसूरत बात है और मैं अग्री नहीं करता इस चीज. जी पाजी, जो सिनेमा भी है वो भी अब रियलिटी की तरफ काफी ज्यादा शिफ्ट हो गया. पिछले 5-6-7 साल को अगर देखें तो उसके पहले होता था कि रोमांटिक फिल्में बन रही हैं, विलन्स हैं, उसमें तमाम तरीके का जो मसाला होता था वो ऐड होता था. अब चूंकि रियलिटी रियलिस्टिक फिल्में बनने लगी, म्यूजिक भी उस तरीके का डिमांड किया जाने लगा कि अब म्यूजिक में भी एक बहुत सी रियलिटी सी होती है, अपना पंसा होता है, देसी फोक तमाम तरीके की चीजें होती हैं. इसको आप किस तरीके से, इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या म्यूजिक भी जो रियलिटी की तरफ जा रहा है, क्या ये भी एक नया पैराडाइम शिफ्ट है? होना भी यही चाहिए. फिल्म म्यूजिक करते हुए तो यही होना चाहिए कि जो स्क्रिप्ट मांग रही है आप वो म्यूजिक बनाए. अब हमने कबीर सिंह करी, कबीर सिंह के ठीक बाद सांड की आंख, तो कैसे हुआ? सांड की आंख में नहीं डाल सकते. जी, सांड की आंख जब आप बनाएंगे, जब आप 70 साल की दो औरतों के लिए जो कि मेरठ और उस बेल्ट की रहने वाली हैं जहां पे जाट रहते हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं, वो किस तरीके का संगीत सुनते हैं,
स्क्रिप्ट क्या मांग रही है, कैसे आप वो इमोशन लोगों को फील कराएंगे। तो स्क्रिप्ट कैप्टन होती है, डायरेक्टर कैप्टन होता है। जहां पे एक एक दीवार है जिसके अंदर आपको खेलना है, अगर आपको समुंदर दिया गया है तो आप पानी से खेलेंगे, आपको रेत दी गई है तो आप रेत से खेलेंगे। तो ये तो फिल्म म्यूजिक का कमाल ही है कि यू हैव टू बी ऑनेस्ट। एवरीबॉडी एट एवरी एचओडी, एवरी मेंबर वर्किंग ऑन अ फिल्म सेट हैज टू बी ऑनेस्ट विद द स्क्रिप्ट। सब कुछ स्क्रिप्ट के लिए हो रहा है। जब आप इंडिपेंडेंट गाने बनाते हैं तो एक्सप्रेशन आपका होता है, आप सोचते हैं कि अच्छा मैं इस तरीके की बात करूं तो क्या है। तो मुझे लगता है आज के डिजिटल एज में ये तो कोई बात ही नहीं है। आप फिल्म म्यूजिक करेंगे आप करना पड़ेगा, और अगर आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक कर रहे हैं तो आप कुछ भी, आप अपने घर पे बैठ के तबला बजा के भी गाना गा सकते हो, हिट हो सकता है। आई थिंक आर इन द बेस्ट ऑफ टाइम। और बड़ा कमाल है कि हमारे पास दो ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं जो कि वर्ल्ड में नहीं है। आप अगर विश्व की सिनेमा देखें तो फिल्मी म्यूजिक बहुत अलग है, बहुत स्कोर, बहुत ऑर्केस्ट्रल, बहुत ही अलग तरीके का म्यूजिक करते हैं, वहाँ गाने नहीं होते। लेकिन हमारे यहाँ ये लौती वाहिद ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ फिल्म के भी गाने चलते हैं और इंडिपेंडेंट म्यूजिक के भी गाने चलते हैं। आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम एंड एवरीथिंग डिमांड्स इट्स ओन वे, बट बहुत खूबसूरत बात है। अजी इंडिपेंडेंट म्यूजिक की आपने बात की, बहुत कुछ बदल गया जब से पेंडेमिक आया, लॉकडाउन के बाद से चीजें बहुत बदली। इस दौरान बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट म्यूजिक सुना गया, देखा गया। बहुत सारे जो न्यूकमर्स हैं, जब मैं उनसे भी बात करता हूं तो उनका कहना होता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक अच्छा है, वो काम तो कर रहे हैं, उनको लोग सुन तो रहे हैं, मगर शायद बड़ा मुकाम नहीं दिला सकता उनको इंडिपेंडेंट म्यूजिक। शायद उनके मन में अभी भी ऐसा कुछ है कि भाई गॉडफादर होगा तभी शायद वो एक बड़े प्लेबैक सिंगर, जो कि एक कोटेड टर्म है, वहां पहुंच सकते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगे जो म्यूजिक बहुत सीरियसली ले रहे हैं मगर शायद उनको लग रहा है कि बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए शायद उनको जो किक चाहिए वो नहीं मिल पा रही है? तो फिर उनमें खुद में कहीं कमी है अगर वो किक कहीं और ढूंढ रहे हैं तो किक आपके अंदर होती है, थ्रस्ट आपके अंदर होता है। कोई भी म्यूजिक, आप तो अभी एक गाना हिट हुआ है बचपन का प्यार, आप देखें वो उसने इंस्टाग्राम पे एक बच्चे का वीडियो डाला और वो कहां, इट्स एवरीवेयर, यू नो एवरीबॉडी इज लिसनिंग टू इट। अब मैं कोई रील डालता हूँ वायरल होती है, 5-5-6 लाख रील बनाते हैं लोग। कहने का मतलब है आप ऐसा काम करें जो लोगों को महसूस हो। मुझे इस चीज से बहुत दिक्कत होती है, जब मैं भी खुद जब सोचता हूँ यार इसका रिजल्ट क्या होगा, क्या करूंगा मैं अगर ये नहीं हो पाएगा। आप अगर काम में अपने आप को इन्वेस्ट करते हैं, और मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे जीवी अजप्पा, वो एक बात बोलते थे कि वो एक बात बोलते थे कि 100 किलो सोना पड़ा हुआ और उसमें एक बहुत बड़ा हीरे का पीस पड़ा हुआ, तो सबसे पहले आदमी हीरे के पीस को उठाएगा। जी। अगर एक कमरे में आग लगी हो, इतनी सी भी आग लगी होगी और उस कमरे में इस दुनिया के सबसे बड़े बिलियनर्स होंगे, तो आग अननोटिस नहीं हो सकती, उसको आपको नोटिस करना पड़ेगा। तो मुद्दा आग बनने का है, ये नहीं सोचना है कि हमें वहां जाके बिहेव कैसे करना या हमें किक कैसे लगी। आज की डेट में इंडिपेंडेंट म्यूजिक करके आप देखिए, गुरु रंधावा हो, हनी 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 भाई हो, बादशाह हो, ये सब इंडिपेंडेंट म्यूजिक आर्टिस्ट है। लकी अली हो, मोहित चौहान हो, दीस पीपल हैव कम फ्रॉम इंडिपेंडेंट म्यूजिक टू फिल्म्स, यू नो। तो वो पावर तो हमेशा से ही रहा है इंडिपेंडेंट म्यूजिक का। बीच में एक लल पीरियड आया था, वो हर जगह होता है, एवरी टाइम हैज अ डिफरेंट डिमांड ऑल्टर। बट आज की डेट में वेयर इंस्टाग्राम इज सो 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 बिग, वेयर डिजिटल मीडिया इज सो बिग, यू कैन सिट इन अ होम एंड रिकॉर्ड वीडियोस लाइक मी एंड बैड वीडियोस मे बी द वे आई रिकॉर्ड हाथ में पकड़ के। कहीं से भी बैड वीडियो रिकॉर्ड नहीं करते हैं इनफैक्ट। और फिर भी आप वायरल हो सकते हैं। बताऊं आपकी वीडियोस में, आपको बताता हूं कि आपके जो वीडियोस होते हैं उनका वेट होता है कि भाई अगला क्या आने वाला है, सिर्फ क्योंकि उसमें धुन अलग होती है, धुन का इंतजार होता है, हमें कुछ ऐसा विजुअली हमें देखना नहीं होता, हम चाहते हैं कि विशाल मिश्रा गा रहे हो, हाथ में कैमरा ले, चाहता हूँ कि लोग विजुअली भी देखें मुझे। ये भी मेरी चाहत है, मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियोस में विजुअली भी दिखा सकूंगा अपने आपको। नहीं विजुअली मुझे लगता है कि जो गर्ल्स की फैन फॉलोइंग है बहुत ज्यादा देखती है। अभी अगले गाने में खुद आ रहा हूँ मैं, अरे बहुत बड़ा पंगा दिया है मुझे वायरल वायरल ने कि आप खुद आए, क्या बात है। तो अच्छा फैन मुझे लगता है वायरल में किसी को मेरे वीडियोस पसंद आ गए वो वाले, तो मुझे खुद एक्टिंग करने के लिए बोला है तो देख देख। अच्छा जी, हमने फैन की बात की तो मैं जानना चाहूंगा कि जो हर आर्टिस्ट के लिए कहते हैं कि जो पहला फैन मोमेंट होता है वो यादगार होता है, वो हर कोई याद रखता है, जब पहली बार वो उसे कोई पहचानता है कहीं पर फोटो के लिए बोलता है, तो आपके लिए पहला ऐसा मोमेंट कोई आपको याद आता हो? पहली बार फोटो, ना सिर्फ पहली बार फोटो बल्कि कोई ऐसा इंसिडेंट हो जब कोई फैन मोमेंट आपके साथ हुआ हो। बहुत सारे होते हैं, हर दिन होता है एक्चुअली। मेरे घर पे हर दिन इतने, पता नहीं कहाँ से मेरा एड्रेस लोगों को मिला हुआ है,
कुछ ना कुछ आता रहता है, कभी कोई सोने की चेन भेजता है, कभी कोई फूल भेजता है, वो वैलेंटाइंस का जो वीक है उसपे, और कोई नाम नहीं बताता, ये कमाल की बात है। अलग अलग लड़कियां, अलग अलग लड़के चीजें भेजते हैं, कोई पेंटिंग भेजता है, कोई स्केच भेजता है, कोई चॉकलेट्स भेजता है, और मैं चाहता हूँ कि ये लोग अपना नाम भी बताएं ताकि मैं लोगों से मिल सकूं। अजी कितने लोग तो दुआओं में भेज देते होंगे कि यार भाई मेरा दिल टूटा हुआ है, यही आदमी मेरा सहारा है, बस इसको एक गिफ्ट देना बनता है। लोग लिख के, एक आदमी ने लिख के भेजा था मुझे, भैया मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है लेकिन आपके गाने सुन के लगता है कि ब्रेकअप कर लो। मैं समझता हूँ, बहुत प्यार मिलता है, कहीं भी जाता हूँ मैं, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, लोग प्यार देते हैं। और एक आर्टिस्ट भूखा होता है इस चीज के लिए, एक आर्टिस्ट पूरी जिंदगी मशक्कत करता है कि कोई उसको रोक के बोले आप वही हैं जिसने वाला गाना गाया है, आपका, आपकी आवाज हमें बहुत अच्छी लगती है, आपकी फिल्म हमें बहुत अच्छी लगी। तो यही तो पूरी पूरी आर्टिस्ट का एक मकसद होता है, और मुझे लगता है अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई, अभी ये सफर बहुत दूर तक चलेगा और मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो इंशाल्लाह सब जाने। बहुत बहुत धन्यवाद विशाल, बाकमाल आर्टिस्ट हैं आप, नो डाउट, शानदार आपकी आवाज है, उतनी शानदार शख्सियत है, जो कि पहली बार आज मुझे मौका मिला आपसे इंटरेक्ट होने का। हालांकि अगली बार मैं जरूर चाहूंगा कि हम लोग जब इंटरव्यू कर रहे हो तो आप मेरे सामने स्टूडियो में बैठे हो और हम वहां इंटरव्यू। स्टूडियो ही है मेरा, ये देखिए, ये मेरा स्टूडियो ही है। आपका स्टूडियो बहुत शानदार है, मगर मैं चाहूंगा MH1 के स्टूडियो में आप आए हो, वहां हम एक इंटरव्यू कर रहे हो जरूर, या फिर कोरोना का कुछ करें और जैसे ही कुछ होगा मैं आपके पास आ जाऊंगा। बिल्कुल, या आप हमें मौका दें, हम आपके स्टूडियो में आकर आपका इंटरव्यू करें। प्लीज आइए, यू वेलकम एनी टाइम, मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि मुझे लगता है गाने के साथ साथ लोग आपको भी बहुत सुनना चाहते हैं, आपकी जो बातें हैं शायद उनमें भी एक एनर्जी है, क्योंकि आप इतना पढ़ते हैं, इतने लोगों को सुनते खुद हैं, तो जो एनर्जी है वो बाकमाल बहुत अच्छी है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर, बहुत बहुत आपको वापस से बधाई आपके गाने के लिए। अंत में मैं चाहूंगा कि आप कोई गाना हमारे दर्शकों को डेडिकेट कर दें। दर्शकों के लिए मैं बोलूंगा, आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने गाने का प्रमोशन कर रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं तेरा जिक्र ही रहेगा मेरे हर अफसाने में, चाहे हो ये एतबार है, प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे, प्यार है तुमसे, प्यार है। थैंक यू सो मच विशाल, थैंक यू, हमें बहुत प्यार है आपसे, और बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।